कोशिश करता हूँ गाने की। ये संगीत का यू नो नशा है जो सिली सिकंद से उर्दू तक मुझे ले आया है और सब कुछ कर रहा हूँ आज, एंड थोड़ा बहुत बॉलीवुड भी गा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा मिक्स है इस फेस्टिवल का, पैडीफील है, मैं भी वही से हम लोग यहाँ राइस खाते हैं सिर्फ, पैडीफील्स ही और बाकी कुछ नहीं कहते हैं, बहुत लेजी आसम इज लोअर, राइस फेंक देते सोते रहते हैं, खेती हो जाती है, चावल खुद हो जाता है। एंड व्हाट अ मिक्स इट्स गोइंग टू बी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों ने देखा है खुद ही यहाँ, और बहुत सारे कलाकार होने वाले हैं दो दिन में, तो ये कॉन्सर्ट नहीं फेस्टिवल है, और जैसे ध्रुव ने कहा बहुत अच्छा वेन्यू है, एंड सो थैंक यू नेस्को। और बॉम्बे में अगर कोई देख रहा है सच में इट्स गोइंग टू बी सलीम सुलेमा, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मिक्स। ये इस शहर में दुख की बात है, सब जानते हैं कि कॉन्सर्ट्स कम होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज होते हैं, तो कॉन्सर्ट्स हम बाकी शहरों में ज़्यादा करते हैं, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, कोलकाता, एनीवे। तो ये बहुत अच्छी बात है बॉम्बे में एक अच्छा कॉन्सर्ट हमारे फैंस को भी लिसनर्स को भी देने को मिला है। इट विल बी ग्रेट मिक्स, हम लोग क्या करेंगे उसी दिन देखिएगा, बहुत कमाल होने वाला है। भाई सारबी राम ने पिहरी अल चालो सा, भाई सारबी राम ने पिहरी अल चालो सा, पी हरियाणी मने ओड़वावे। ये राजस्थानी में था, हालांकि मैं आसाम से हूं। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 16 तारीख को यानी आखिरी फिनाले परफॉर्मेंस जिनका होगा, सलीम सुलेमान। सो सर आप प्लीज आए, और सलीम सुलेमान से हम क्या सुनने वाले पैडी फील्ड्स में ये भी बताएं। हमारी शुरुआत भी थी, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीछे रूम में बात कर रहे थे दैट आप लोग तो फिल्म म्यूजिक से ही माहिर हुए हो और फिल्म म्यूजिक की आपकी पहचान है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी शुरुआत एक्चुअली भी थी लोक संगीत से। 96-97 में हमने सोचा था कि हम एक फोक एल्बम बनाएंगे जिसका नाम था भूमि, और वहीं से हमने शुरुआत की थी। वो एल्बम आया और गया, फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा फिल्म म्यूजिक में अपना नाम कुछ अपनी पुकार दे देते, और उस तरह से हम फिल्म म्यूजिक से ज़्यादा उसके ज़रिए हम ज़्यादा हमें शोहरत मिली। लेकिन एक्चुअली हमारी जो शुरुआत है, हमारे रूट्स हैं, वो फोक म्यूजिक से हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइफ टेकन अ फुल सर्कल, एंड पहली बार हम मुंबई में एक ऐसे फेस्टिवल में बजाने जा रहे हैं जहाँ पे हमें कहा गया है कि प्लीज फिल्म म्यूजिक मत बजाना, जो सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, बिकॉज हमारा म्यूजिक जो हमारा हिंदुस्तान का म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं एक बैकसीट ले लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं सिर्फ इट्स ओनली बॉलीवुड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट दिस टाइम वी डूइंग म्यूजिक विच इज यू नो विच जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एंड नाम भी बहुत दिलचस्प है पैडी फील्ड्स, इट्स रियली समथिंग दैट हैज अ वेरी इंटरनेशनल फील्ड है। और हमारी हमने जब ये संगीत का ये शुरुआत किया था फोक म्यूजिक से, तो हमारा राजस्थान हमारे बहुत करीब था, और इस साल हम उदयपुर में कॉन्सर्ट के लिए गए थे 2016 में ही फेब्रुअरी में, और हमको इन्विटेशन मिला वहाँ के प्रिंस से एक महफिल, प्राइवेट महफिल में, तो हम प्राइवेट महफिल में गए, और हमें इस एक मांगणिया कम्युनिटी जो है राजस्थान में जो बहुत कमाल की मौसीकी गाते हैं और बजाते हैं, तो हम उनको वहाँ पे पहली बार इस तरीके ऐसे लेवल का म्यूज़िक सुना हमने कि हमने सोचा कि 2016 का हमारा जो साउंड होगा वो इनके साथ में ही होगा। तो हम अभी हाल ही में US टूर करके आए हैं उनके साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट मुंबई में हम सभी को, नॉट जस्ट यू नो द लिसनर्स, बट हम सब लोग, इवन आर्टिस्ट, दे एक्सपीरियंस दीज गाइज द मांगणियाज ऑफ राजस्थान, इतनी कमाल की उनकी मौसीकी है, म्यूज़िक की सोच है, और जिस तरह से हमने ब्लेंड किया हुआ है हमारे सेट के साथ में, हमें बहुत खुशी मिलती है, एंड हम आशा करते हैं जब लोगों इंजॉय करेंगे। सो पैडी फील्ड्स म्यूजिक फेस्टिवल बात करता है संगीत की जो कि देश का है, देश की मिट्टी से जुड़ा है, तो कुछ थोड़ा सा सुनने को मिल जाए आप दोनों की तरफ से। पापा ने तो काफी कुछ दे दिया है। लेट्स सुलेमान स्पीक समथिंग। देखिए हमारे देश में बॉलीवुड का नाम सबसे ऊपर रहता है, म्यूजिक जब म्यूजिक की बात होती है तो सबसे पहले बॉलीवुड का नाम आता है, मगर अगर आप यहाँ से बाहर निकलो और इंटरनेशनली जाओ कहीं भी, आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, तो लंदन में म्यूज़िक स्टोर के अंदर आपको जो एल्बम्स दिखेंगे, जो सीरीज़ दिखेंगी, वो आपको सिर्फ फोक म्यूज़िक की दिखेंगी। अभी दुनिया के अलग अलग देशों से जो फोक म्यूज़िक बनता है, फ्लेमिंगो म्यूज़िक है, स्पेनिश है,
ग्रीक म्यूजिक है, सब फोक म्यूजिक है वो उन देशों का। और हमारे देश के अंदर अगर कुछ म्यूजिक जो बिकता है बाहर तो इट इज़ ओनली बॉलीवुड। तो हम ये हमेशा कोशिश रखते हैं कि बॉलीवुड म्यूजिक तो है ही है, मगर हमारे देश का जो म्यूजिक है, हमारा लोक संगीत जो है, हमारा फोक म्यूजिक जो है, उसे हम एक तरीके से बढ़ावा दें, उसे एक एक मंच दें, एक स्टेज दें जहाँ पे लोग आकर उसे उधर परफॉर्म कर सके। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर आर ऑल ओवर इंडिया। आप देखें तो मोमी खान है, यहाँ पर पापॉन है, देयर सो मेनी डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, मगर जो स्टोरी है वो एक ही है, वो सब लोक संगीत जो करेंगे वो सब लोक संगीत की दिशा में होगा। और मुझे लगता है इट्स अबाउट टाइम कि हम सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि जो हमारा अलग, जो हमारा अपना देश का म्यूजिक है, हमारा जो फोक म्यूजिक है, उसे थोड़ा सा बढ़ावा दें और उसे सुने, उसे रिस्पेक्ट करें और उसे आगे ले जाए। मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ कॉलोनियल कज़न्स का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट इन द सेम फेस्टिवल वी हैव कॉलोनियल कज़न्स आल्सो हरी भाई एंड लेज़ी आर गोइंग टू परफॉर्म। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस दैट टू यू नो एज अ म्यूजिशियंस कम्युनिटी टू ऑल कम टुगेदर एंड डू म्यूजिक व्हिच इज क्लोज टू आवर हार्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। तो कोई सवाल कोई पूछना चाहेंगे? सवाल तो नहीं पूछूंगा, बट माय नेम इज अतुल चुड़ामणि। आई हैव नोन दिस गाइस फॉर लॉन्ग टाइम एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग योर फर्स्ट एल्बम, आई हैपन टू बी देयर, योर फर्स्ट एल्बम विद कॉलोनियल कज़न्स, आई हैपन टू बी देयर, योर फर्स्ट सिंगल दैट केम आउट, आई हैपन टू बी देयर, एंड वन ऑफ योर फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर फॉर वीवा। हम लोग आज इसकी वजह से ही है। So I'm very proud and happy to be working with people I've been associated with for so many years. But I think the more important thing is that, like Sabin said, we're trying to do something. We need platforms like Paddy Fields for us to bring out the folk music of the country. And that's why, hats off again to Nesco for taking it. कम से कम तो मैं जब मैंने खेती की बात की तो किसान की बात है, भारत 70% किसान प्रधान देश है, तो मैं चाहूँगी कि बिरहा, खड़ी बिरहा एक ऐसा फॉर्म है जो आप लुप्त बोल सकते हैं आप, और वापस कोक स्टूडियो के थ्रू ध्रुव खानेकर जी ने बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया, एंड दो लाइन वही गाऊंगी। राम भैल जो गया लखन बार गया के दोनों भैया हो गए ले फा कीर अगरवा में डाली होले तुलसी जी के मलवा हे बज रही हैं, क्योंकि ये साउंड जो है बिल्कुल आपके दिल को छूता है। और जो हमारे सब दोस्तों ने कहा है, एक तरह से मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है कि हम अपने फोक या फ्यूजन के म्यूज़िक को फिर से एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बॉलीवुड को आज कोई पूछता नहीं है कि इनको प्लेटफॉर्म दीजिए, इनको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि बहुत पावरफुल है। लेकिन आपने जो ये मौका दिया यूनेस्को ने, और आप टर्न की आप जो मौजूद थे इन सब के लिए, आप मेरे लिए भी एक तरह से मौजूद हैं। मैंने बहुत टेलीविजन पे किया है, लेकिन मैंने शो फोक और फ्यूजन का कभी शो एंकर नहीं किया, उसके लिए आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया। जब ये परफॉर्म करेंगे, मुझे यकीन है कि जो उसका इम्पैक्ट होगा, उसके बाद किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई इनको मौका दीजिए, इन्होंने मौका बना दिया होगा। और पैडी फील्ड जो है वो उसका जो है एक स्पिरिट होगा, एक नया संगीत हमारे देश में सुनने को मिल रहा है, और आप उसको पहले सुनेंगे।
फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि बॉम्बे ऑडियंस को एक अलग टाइप का जो फेस्टिवल है पैडी फील्स, वो उनको एक चांस मिलेगा. एंड कॉलोनियल कजन्स हरिहरन और मैं, वी आर ऑलवेज एक्साइटेड टू परफॉर्म कहाँ भी हो, लेकिन आज लग रहा है कि बॉम्बे में ही है. सब हमारे म्यूजिशियन बिरादरी साथ में है, ऑडियंस भी साथ में रहेगी, और हम हमारे जो पहले के गाने हैं सानी रफा कृष्णा, वो तो हम गाएंगे. तो वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड.